ओके तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं मास्टर कैम 2023। ठीक है, तो एक मेरे पास ये 2D ड्राइंग है। तो आज मैं आपको एक नई चीज सिखाऊंगा। पिछली बार ये देखो, हम दो चीजें, एक कैड है एक कैन है ना। अगर मैं ये कैड में बनाऊंगा तो मैं डिजाइनर कहलाऊंगा, है ना। अगर मैं इसको कैम में बनाऊंगा तो मैं प्रोग्रामर कहलाऊंगा। तो अभी तक जितनी भी हमने ड्राइंगें बनाई हैं वो हमने कैड के हिसाब से बनाई। हमने 3D बनाया, हमने सॉलिड में एक्सट्रूड किया है ना, रिवॉल्व किया, ऐसा कुछ किया। अब हम ये 2D ड्राइंग बनाएंगे पहले, फिर इसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि हम 2D प्रोग्राम बना के 3D मॉडल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, यानी 2D ड्राइंग से हम 3D मॉडल बनाना है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम, ये सही लाइन है। ठीक है, मतलब एक्सट्रूड नहीं मैं करना चाहता। ठीक तो सबसे पहले मेरे को रेक्टेंगल नजर आ रहा है 180 बाय 165। मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। वन एट्टी बाय 165। ठीक है, बेसिकली यही मेरा रॉ मटेरियल भी होएगा, तो इसको मुझे कटिंग करना है ना। और अब मेरे को यहाँ पे दो सर्कल नजर आ रहे हैं, एक 60 का एक 30 का, जो यहाँ इधर से 10 mm और इधर से 150। तो मैं कुछ ऑफसेट कर लेता हूँ, 10, 150। ओके, और मैं सर्कल बना सकता हूँ टेंजेंट टू 2 एंट्रीज, 60 डाय का और 30 डाय का। चाहे तो हम इसको 30 ऑफसेट भी कर सकते हैं, पर हम सर्कल बनाते हैं टेंजेंट, आर्क टेंजेंट टू 2 एंट्रीज। डायमीटर है 60 का, ठीक है। हम इसको क्लोज आर्क बना देंगे तो ये कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। लाइंस का काम खत्म हो गया, इनको मैं डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, सेंटर में हमारे पास 30 डाय का सर्कल है, सर्कल लो 30 और सेंटर पर क्लिक कर। ठीक है, तो हम वैल्यू पहले भी भर सकते हैं, हम क्लिक करने के बाद भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी हमारे पास दो सर्कल इधर भी नजर आ रहे हैं, एक 30 रेडियस का है एक 40 डायमीटर का है। इसको भी हमारे को ऑफसेट करना पड़ेगा, 10। ठीक है, और सेम आर्क लगाएंगे 30 रेडियस। ठीक है, और इसको क्लोज आर्क बना देंगे। ठीक है, दोनों लाइनों का काम खत्म। एक हमारे पास 40 डायमीटर का सर्कल है, ठीक है, राइट क्लिक करके क्लियर कलर कर सकते। ठीक है, इतना काम हो गया हमारा। और हमारे को नजर आ रहा है यहाँ पे एक 15 रेडियस 15 डिग्री पे एंगल, बहुत इजी है लगाना। लाइन लो, जस्ट सर्कल पे क्लिक करके छोड़ दो, और ये हो गया 90 प्लस 50। ठीक है, इसको मैं ऑफसेट कर सकता हूँ 32, तो ऑफसेट कर लेंगे 30। एक डायमेंशन मेरे को और नजर आ रही है, इधर से 30 इधर से 27। ज्यादातर काम ऑफसेट से ही हो जाता है, 30
27। और देखो ध्यान से, इस पॉइंट से ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इससे ये अंदर वाले सर्कल के टेंजेंट एक लाइन होता है, यहाँ पे टेंजेंट एक होना जरूरी है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली टेंजेंट लाइन बन जाएगी अंदर वाले सर्कल, ठीक है। इस लाइन का काम खत्म हो गया, तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। एक डायमेंशन हमारे को और गिवन है, 25 ऑफसेट, 25। अब ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, यहां से एक एंगल पे लाइन है 18 डिग्री, तो यानी कि ये हो गई 270 प्लस 80। एक डायमेंशन हमारे को यहां पे भी गिवन है 30, 30 का गैप है इनके बीच में, तो मैं ऑफसेट कर सकता हूं 30। और जैसे पहले किया था, इंटरसेक्शन पॉइंट से सर्कल के टेंजेंट लाइन लगानी है हमारे को, जो सर्कल पर क्लिक कर देना, इस लाइन का काम खत्म हो गया, इस लाइन का भी काम खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे को एक 110 डिस्टेंस से एंगल दिया हुआ है, तो पहले मुझे ऑफसेट करना है चाहिए 10, फिर 110, ये पॉइंट आ गया, एक 145 भी दिया होगा, ठीक। यहाँ पे हमारे पास एंगल है 20 डिग्री का, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया अब ये जो लाइन लगाई थी ये 90 प्लस 15 थी, यानी 105, तो 105 माइनस 20, ठीक। अगर मुझे किसी लाइन को एक्सटेंड करना, सपोज इसकी इसको एक्सटेंड करना, तो दो तरीके हैं, तो मैं मेक कॉर्नर करके कर सकता हूँ, टू एंटिटीज ट्रिम टू एंटिटीज, और इन दोनों पे क्लिक करूंगा तो वो ट्रिम हो जाएंगे, ठीक है। अगर मुझे एक्सटेंड करना है तो यहाँ पे मॉडिफाई लेंथ, मॉडिफाई लेंथ कितना एक्सटेंड करना चाहते हो, मैंने कहा जी 12, किसको मैं कहा जी इसको, तो वो 12 एक्सटेंड हो, ठीक है। जितनी बार क्लिक करते जाएंगे उतना एक्सटेंड होता है, पर मेरे को ज्यादा पसंद यही है ट्रिम टू एंटिटीज, दोनों पे क्लिक करो वो कॉर्नर बना देता है, दोनों पे क्लिक करो कॉर्नर बना देता है, ठीक है। इसका भी काम खत्म, इसका भी काम। अब यहाँ पे एक नई चीज है, आर्क टेंजेंट टू थ्री एंटिटीज, सर्कल थ्री एंटिटीज, यानी कि थ्री एंटिटीज चाहिए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। रेडियस वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, देखो रेडियस वैसे भी बंद है, यहाँ भर ही नहीं सकते, ठीक है। एक रेडियस हमारे को यहाँ पे गिवन आठ का, इधर भी है 8, इधर भी है, इधर 15, तो फिलेट लगा सकते हैं 15, ओके। अब यहाँ पे लगाने से पहले मैं इसको डिवाइड कर लू, देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट